lot of 900 square feet having a dimension of 18 feet by 50 feet and a total budget of 35,20,000. Hi, I am an architect and interior designer from Archie Sen. आज हम आपके सामने अपने जिस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसका साइज 18 फीट बाय 50 फीट है। इसका एरिया 900 स्क्वायर फीट एंड 100 गज है। ये एक ईस्ट फेसिंग प्लॉट है जिसके तीन साइड्स में अदर्स प्रॉपर्टी एंड फ्रंट में 30 फीट की रोड है। ये हमारे फ्लोर प्लान्स हैं। इस हाउस को हमने G+2 में डिज़ाइन किया है जिसमें हमने 4 BHK विद पार्किंग एंड टेरेस गार्डन प्रोवाइड किया है। इन फ्लोर प्लान का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे घर का फ्रंट एलिवेशन है। इसको हमने मॉडर्न लुक में डिज़ाइन किया है जिसमें हमने पेंट और वुडन बैटन्स का यूज़ किया है। टेरेस पे हमने टेरेस गार्डन प्रोवाइड किया है जो कि हमारे एलिवेशन को और ज़्यादा इन्हांस कर रहा है। इस घर को डिज़ाइन करते टाइम हमने वेंटिलेशन का ख़ास तौर पे ख्याल रखा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। घर के अंदर जाने के लिए हमने यहाँ पे 2 एंट्रीज प्रोवाइड की हैं जिसमें से एक हमारी वर्कुलर एंट्री है और दूसरी पेडेस्ट्रियन एंट्री है। एंट्री करते ही सबसे पहले हम अपने पार्किंग में आएंगे जिसका साइज 12 फीट बाय 14.5 फीट है। यहाँ पे हम अपनी एक कार पार्क कर सकते हैं। यहाँ से अब हम अपने घर के अंदर जाएंगे। अंदर जाते ही सबसे पहले हमारा एंट्रेंस फॉयर आएगा जहाँ पे हमने कंसोल यूनिट डिज़ाइन किया है जिसके बैक पे हमने मार्बल टेक्सचर में पैनलिंग की है। इसके बाद अब हम अपने ड्राइंग रूम में एंटर करेंगे। ड्राइंग रूम में एंट्री करते ही राइट हैंड साइड में हमने एक सोफा प्लेस किया है जिसके बैक में हमने टील ब्लू शेड की वर्टिकल पैनलिंग की है और इसके सेंटर में हमने एक पेंटिंग प्लेस किया है। जस्ट सोफा के सामने हमने अपना टीवी यूनिट प्लेस किया है जो कि स्टेयरकेस के नीचे आ रहा है। टीवी यूनिट के बैक पे हमने डार्क चारकोल ग्रे कलर का टेक्सचर प्रोवाइड किया है। ओवरऑल ये लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। हमने यहाँ पे फ्लोरिंग में मार्बल का यूज किया है और फॉल सीलिंग को बहुत ही सिंपल वे में डिजाइन किया है। आगे बढ़ते ही हमारा डाइनिंग कम किचन एरिया आता है जिसका साइज 17 फीट 10 इंच बाय 10 फीट है। हमने यहाँ पे मॉडुलर किचन डिजाइन किया है। किचन काउंटर से ही अटैच हमने डाइनिंग एरिया प्रोवाइड किया है। डाइनिंग एरिया से अटैच हमने एक बैक लॉन भी प्रोवाइड किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे वर्टिकल गार्डनिंग की है। अब हम अपने किचन एरिया में जाएंगे। किचन एरिया में हमने बेसिक नीड्स के साथ साथ टॉल यूनिट, माइक्रोवेव और अवन के लिए भी स्पेस डिजाइन किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर अपर कैबिनेट्स और लोअर कैबिनेट्स दोनों प्रोवाइड किए हैं। हमने किचन में वाइट और टर्किश ग्रीन कलर का थीम यूज किया है। किचन एरिया से अटैच हमने एक यूटिलिटी एरिया भी प्रोवाइड किया है जिसमें हमने वॉशिंग मशीन और डर्टी यूटिलिटी के लिए स्पेसेस प्रोवाइड किए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे हमने एक कॉमन टॉयलेट भी दिया है जो कि हमारे ड्राइंग रूम से अटैच है। कॉमन टॉयलेट का साइज 5 फीट 6 इंच बाय 8 फीट 9 इंच है। इसमें हमने एक WC, एक वॉश बेसिन और बेदिंग एरिया प्रोवाइड किया है। इसके बाद अब हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने यू शेप का स्टेयरकेस डिजाइन किया है। फर्स्ट फ्लोर पे जाते ही सबसे पहले हम अपने लिविंग एरिया में एंटर करेंगे जिसका साइज 11 फीट 4 इंच बाय 13 फीट 6 इंच है। यहाँ पर हमने लॉसन स्टाइल का सोफा प्रोवाइड किया है। लिविंग रूम से ही अटैच हमारा गेस्ट बेडरूम है जिसका साइज 12 फीट 6 इंच बाय 10 फीट 6 इंच है।
यहाँ पे हमने क्वीन साइज का बेड प्रोवाइड किया है, जिसके बैक पे हमने ब्लैक एंड वाइट कलर की पैनलिंग की है। जस्ट बेड के लेफ्ट पे हमने वार्डरोब दिया है, जिससे अटैच हमारा ड्रेसिंग यूनिट भी है। बेड के फ्रंट पे हमने टीवी यूनिट प्रोवाइड किया है, जिसके बैक पे हमने लीट ग्रे कलर का पैटर्न डिज़ाइन किया है। इस पूरे रूम का वेंटिलेशन बाहर बालकनी में हो रहा है, जिसका साइज 6 फीट 6 इंच बाय 5 फीट 2 इंच है। लिविंग रूम से ही अटैच हमारा एक कॉमन टॉयलेट है। यहाँ पे हमने वैनिटी को सेपरेट रखा है। वैनिटी के टॉप पे हमने मिरर प्रोवाइड किया है, जिससे अटैच हमने कुछ स्टोरेज भी दी है। हमारे वॉशरूम का एरिया 5 फीट 6 इंच बाय 7 फीट है। यहाँ पे हमने WC और बेदिंग एरिया प्रोवाइड किया है। इस पूरे वॉशरूम का वेंटिलेशन बाहर टेरेस की तरफ हो रहा है। अब हम अपने मास्टर बेडरूम में जाएंगे। हमारे मास्टर बेडरूम का साइज 12 फीट बाय 14 फीट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर किंग साइज का बेड प्रोवाइड किया है, जिसके बैक पे दोनों साइड पे हमने डार्क ग्रीन कलर का कुशन वर्क दिया है। सेंटर में मार्बल रुक का टेक्सचर प्रोवाइड किया है। साइड पे हमने पर्शियन ब्लू कलर का सोफा दिया है। जस्ट इसी के सामने हमने टीवी यूनिट दिया है। बेडरूम से अटैच हमारा एक ड्रेसिंग रूम भी है, जिसका साइज 5 फीट बाय 6 फीट है। ड्रेसिंग रूम से अटैच हमारा टॉयलेट है, जिसका साइज 5 फीट बाय 8 फीट 8 इंच है। यहाँ पे हमने WC, वॉश बेसिन और बेडिंग एरिया प्रोवाइड किया है। इसके बाद अब हम अपने सेकेंड फ्लोर पे जाएंगे। सेकेंड फ्लोर पे जाते ही सबसे पहले हम हॉल में एंटर करेंगे। ये हॉल हमारे हर बेडरूम से कनेक्टेड है। इसका साइज 11 फीट 4 इंच बाय 13 फीट 6 इंच है। इस हॉल को हमने एज एन स्टडी रूम डिज़ाइन किया है। इस पूरे रूम का वेंटिलेशन बाहर टेरेस की तरफ हो रहा है। इस बेडरूम से अटैच हमारा किड्स बेडरूम है, जिसका साइज 12 फीट बाय 14 फीट है। ये रूम हमने 2 किड्स के लिए डिज़ाइन किया है। रूम के दोनों साइड पे हमने बेड्स प्रोवाइड किए हैं, जिसके सेंटर पे हमने एक स्टडी टेबल प्रोवाइड किया है और बेड्स के जस्ट सामने हमने एक वार्डरोब प्लेस किया है, जिससे अटैच हमारा ड्रेस यूनिट भी है। इस पूरे रूम का वेंटिलेशन बाहर बालकनी में हो रहा है। हॉल से अटैच हमारा गेस्ट बेडरूम भी है, जिसका साइज 12 फीट 4 इंच बाय 10 फीट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर क्वीन साइज का एक बेड प्रोवाइड किया है। साइड पे हमने वार्डरोब प्रोवाइड किया है और फ्रंट में टीवी यूनिट दिया है। इस पूरे रूम में हमने एक छोटा सा स्टडी यूनिट भी प्रोवाइड किया है। स्टडी रूम से कनेक्टेड हमारा एक कॉमन टॉयलेट भी है। कॉमन टॉयलेट में हमने वैनिटी यूनिट को सेपरेट रखा है। कॉमन टॉयलेट का साइज 5 फीट 6 इंच बाय 7 फीट है। इसमें हमने WC और बेडिंग एरिया प्रोवाइड किया है। इस पूरे वॉशरूम का वेंटिलेशन बाहर टेरेस पे हो रहा है। अब हम अपने टेरेस एरिया में जाएंगे। टेरेस के बैक साइड पे हमने अपने वाटर टैंक्स को प्लेस किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रंट पे हमने सिटिंग स्पेसेस डिजाइन की हैं, जिसके चारों ओर हमने प्लांटेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड किया है। बाउंड्री के साइड में हमने प्लांटेशन के लिए काफी स्पेस प्रोवाइड किया है और साइड में हमने एक छोटा सा गार्डन एरिया भी दिया है, जहाँ पे आप गार्डनिंग कर सकते हैं। Please click like and share if you enjoy this video and don't forget to subscribe and press the bell icon for further notification. Thank you for watching and have a beautiful day. See you in the next video.